बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लाइफस्टाइल विद शेरी। उम्मीद आप सब है ऐसे होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैंने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया, मैं डायरेक्टली आ गई हूँ शहजाद मैचिंग सेंटर पे। शहजाद मैचिंग सेंटर ऑल इन वन आप शॉप कह सकते हैं, जितने भी ट्रेंडी फैब्रिक्स वगैरह होंगे सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जो मैचिंग आपको चाहिए सब मिलता है यहाँ पे। स्पेशलिटी जो मुझे लगी, रशियन ग्रिप मुझे लिबर्टी में बहुत कम नज़र आती है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उसकी भी काफ़ी वैरायटी इनके पास है। जो मैं चीज़ लेती हूँ वो मैं आपको आगे जाकर बताती हूँ। अरे यहाँ पर इस टाइम मुझे शॉप से इंट्रोड्यूस करवाया है मिसेस तलत ने। मिसेस तलत भी लिबर्टी में काम करती हैं। जब भी कोई इंसान किसी जगह पे काम करता होता है तो उसको उसकी बहुत सारी स्पेशलिटीज़ का पता चल जाता है कि कौन सी शॉप अच्छी है, कौन सा कारीगर अच्छा है। तो उनका एक्सपीरियंस इस शॉप से बहुत अच्छा रहा, वो इस शॉप से काफ़ी चीज़ें वगैरह लेती रहती हैं। तो उन्होंने कहा कि आप भी ये शॉप देखिए। तो मुझे मतलब इस तरह से नहीं पता था, मैं इनसे कुछ लेती हूँ बट मैंने कभी नाम नहीं देखा, मैंने कभी कोई इनकी बाकी वैरायटी नहीं देखी। तो ये रशियन ग्रिप के यहाँ पे कलर्स लगे हुए हैं और 550 का ट्राउज़र ये कह रहा था। रशियन ग्रिप के ट्राउज़र्स मिलते हैं बट सिटी टावर वगैरह साइड से, उड़ीगा साइड से। अरे यहाँ पे बनारसी के भी काफ़ी सारे जो हैं डिज़ाइंस कलर्स आपको मिल जाएंगे। बैम्बर पे जो सेम थ्रेड एम्ब्रॉयडरी में अक्सर हमें चाहिए होता है वो भी मिल जाएगा। इसके अलावा तिल्ला एम्ब्रॉयडरी, कलर्ड एम्ब्रॉयडरी, बहुत सारी वैरायटी थी। तो मुझे वीडियो देख के दोबारा से रिकॉल हुआ और मुझे मज़ा आया कि बहुत सारी वैरायटी है। यूजली टाइम इतना नहीं होता कि मैं जाके सर्च करती रहूँ, तो जो चीज़ मतलब मैं रेगुलर बेसिस पे लेती थी ना, मुझे उसका ज़्यादा पता होता है। तो मिसेस तलत ने मुझे बताया और मैंने कहा कि अच्छा चलो फिर मैं डिटेल में ही कैप्चर कर लेती हूँ ताकि आप में से भी बहुत से लोगों को पता चल जाए। और मिसेस तलत भी चूँकि काम करती हैं तो उनका भी नंबर मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूँगी, अगर आप में से कोई रابطہ करना चाहे आप उनसे भी रابطہ कर सकते हैं। तो यहाँ से वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपको इनकी ज़बानी सुनाते हैं कि इनके पास क्या क्या वैरायटी मौजूद है और उनकी क्या क्या प्राइसेस हैं। कितने का दुपट्टा है? 3.5 का। और उसमें आप कटिंग कितनी देते हैं? 2.5 गज पौने 3 टाइगर्स की कटिंग देते हैं। इसके अलावा जो रॉ सिल्क है ये बुटी वाली, हाँ ये कितने रुपए यार्ड है? ये 1000 है यार। ये वाली जो है ये 2500 रुपए गज में लेगा, ये भी 2500 है। अच्छा, इसके बाद ये सारे लगे हैं। और ये वाला फैब्रिक दिखाएं, ये ग्रीन वाला, हाँ ग्रीन और ये पर्पल वाला। अच्छा कम हाफ जमा वाला है। कितने रुपए यार्ड है ये? ये 1200। नीचे वाली भी दिखा। ये ये टिश्यू सिल्क है तो इसमें आजकल जो पट्टा आ रहा है? नहीं इसमें नहीं आ रहा, वो गारंटी है। अच्छा गारंटी दे रहे हैं। तो ये कितने रुपए यार्ड दे रहे हैं? ये 1500 पर यार्ड है, लेकिन आपको 1000 पर यार्ड के हिसाब से। 1000 पर यार्ड के हिसाब से लेकिन इसकी निस्बत बहुत ज़्यादा चलती है, उसकी लुक भी अच्छी आती है और रॉयल लुक। ये टसल सिल्क गुजरा वाला वाली है या इंडियन है? इंडियन है। लोकल वाली है आपके पास? लोकल वाली ना, मेहमान है। अच्छा तो ये कितने रुपए यार्ड दे रहे हैं? ये 900, आपको 800 में मिलेगा। सही। इसके अलावा आपके पास और कौन सा फैब्रिक है? 60 ग्राम कोरियन दिखाएं, कोरियन में क्वालिटीज़ होती हैं, सारी क्वालिटीज़ दिखाइएगा जो जो सी आपके पास अवेलेबल है। ये एक्सपोर्ट क्वालिटी के कपड़े होते हैं कोरियन, इस पर काम वगैरह भी हो रहे हैं, फैब्रिक फाइन है इसका, जैसे मर्जी कलर भी डाई करवा सकते हैं। ये कितने का सूट पड़ता है? ये 6000 का सौदा, लेकिन आपको 5000 का मिलेगा। अच्छा इससे अच्छी क्वालिटी है कोरियन की कोई? ये सबसे बेस्ट क्वालिटी, इससे लो क्वालिटी? लो वाली की वो कुर्तरेपन नहीं आती है, वो लाते हैं। अच्छा वो है नहीं आपके पास?
इसके अलावा ये टच ऑफ ग्रे पाई हुई है आजकल, इस पर भी काम हो रहे हैं। फॉल वाला कपड़ा बड़ी प्यारी लुक का। अच्छा, मतलब इसके आप थोड़ी सी हमें वो चुनरी डाल के फॉल वगैरह दिखा सकते हैं? फॉल वाला क्या नाम है इसका? ये टसल ग्रिप होती है, टसल ग्रिप है। इसके अलावा कोई और फॉल वाला कपड़ा जिसमें शाइन ना हो? ये 60 ग्राम की कॉपी है, ओरिजिनल नहीं है, लेकिन ये लुक वही आती है। तो ये डल में है, इसकी शाइन नहीं? डल में, ये शाइन के बगैर, जैसा आप चाहें। अच्छा, क्या नाम है इस कपड़े का? ये VIP रॉसिल को होती है, पाकिस्तानी प्योर। पाकिस्तानी प्योर है, 90% ब्रांड ये यूज कर रहे हैं। अच्छा, तो ये आपके पास इसकी डाइट फॉर्म है कोई? फिलहाल तो नहीं है, कस्टमर साथ साथ ही ले जाते हैं। तो इसका ट्राउजर कितने का आता है? ट्राउजर बनाए, पूरा सूट बनाए, बेहतरीन। कितने का आता है ये? 4000 का सूट है। 4000 का सूट है, यानी 2000 का ट्राउजर। ये विस्कोस कॉटन लुक में आती है, कॉटन सिल्क इसे बोलते हैं। अच्छा, ये कॉटन सिल्क वो है जो शर्ट के लिए यूज होती है, सूटों के लिए यूज होती है। तो इसका सूट कितने का होता है? ये आपको मिल जाएगा 2000 का, वैसे हम 25 या 3000 बताते हैं विदाउट बार्गेनिंग आपको। तो ये गफ हो जाएगा कपड़ा? हाँ, ये सी थ्रू नहीं रहेगा, ये गफ हो जाता है। ये तो बेहतरीन लुक आती है, ये बाजी ने भी मेरे से दो प्रोडक्ट ट्राई करवाए। क्या नाम है इसका? ये कॉटन सिल्क है। कॉटन सिल्क का। और ये कतान सिल्क होती है, ये भी फॉल वाला कपड़ा आते हैं और इसमें थोड़ी शाइन भी होती है, बेहतरीन लुक आती है। काट वाले के सूट वगैरह बन रहे हैं इसके ऊपर, बड़ी अच्छी लुक आती है। फैब्रिक का नेम? कतान सिल्क। कतान सिल्क, बेस्ट क्वालिटी और सारी प्योर की लुक आती है, भी प्योर है। कितने का ट्राउजर कितने का है इसका? 2500 का ट्राउजर है। 5000 का पूरा सूट। इसके अलावा और कोई फॉल में, लेकिन डल में और मुनासिब कीमत में? फॉल में ये शाइन में आपको ये दिखाई है, वो टसल ग्रिप दिखाई है, वो दोनों बेस्ट क्वालिटी है। डल में जो आपको दिखाया ना, ये रॉसिल्क सबसे बेस्ट हमारे चाहिए। बट रॉसिल्क में लाइंस होती हैं, लाइंस नहीं चाहिए ना? लाइंस के बगैर फिर आपको ये मिलेगी शाइन कॉटन सिल्क, ये भी डल लुक में आती है, ये भी फॉल वाला कपड़ा आता है। बाकी ये आपको दिखाया जो टसल ग्रिप, ये भी फॉल में बेहतरीन लुक आती है, बोस की तरह की फॉल है इसकी, बड़ा बेहतरीन कपड़ा है। कॉटन नेट वगैरह में दिखाएं, कॉटन नेट की क्वालिटीज। ये कॉटन नेट शूटिंग के लिए, इसका डाई की और भी कहेंगे तो दिखा देंगे। दिखा दें। ये कितने का सूट आता है? ये आपको मिलेगा 4500 का, यानी कि 900 पर यार्ड। तो इसके साथ दुपट्टा कौन सा यूज होता है? इसी में कॉटन नेट का होता है। दिखाएं, कोड़ा कॉटन? अच्छा नहीं, कॉटन नेट का है आपके पास। तो ये और इस कॉटन नेट में दोनों में कौन सी बेस्ट क्वालिटी होती है? ये दुपट्टों के लिए, ये शूटिंग के लिए। प्योर कौन सी है इसमें? दोनों प्योर। दोनों प्योर है। ये कॉटन नेट डाई की है और काम भी हुआ इसके ऊपर, बेहतरीन फॉल भी है, तबला भी है। ये इसकी डाइट क्वालिटी है। ये इसके साथ दुपट्टा होता है, दुपट्टा कितने का है? दुपट्टा 1500 का। दुपट्टा इसका बनाना चाहे बहुत ठीक हो जाए, ज़्यादा ठीक हो जाए। चादर नमाज को जैसे वो शर्ट दिखाई है ना, वो ये क्या दोनों क्वालिटीज में फर्क है? अच्छा, वो जो कॉटन नेट होती है जिसमें जरी होती है, वो वाली ये बूटी वाली कॉटन नेट दिखा। ये दिखाई वाली कॉटन नेट तो ये लगी हुई है, लेकिन वो जरी वाली नहीं है, ये देखिए ध्यान से। ये एम्ब्रॉयडरी के साथ है कॉटन नेट, इसका भी शर्ट दुपट्टा भी पूरा बना सकते हैं, अगर खाली शर्ट बनानी है, प्लेन दुपट्टा बनाना है तो ऐसे भी चलता है। और इसमें ये ब्रोशिया, इस पर भी काम वगैरह हो रहे हैं, ब्राइडल वगैरह भी तैयार हुए हैं, ये बहुत चल रहा है। ये ब्रोशिया के साथ है, बेहतरीन लुक आता है। अच्छा, इसमें इससे गफ वाली कोई होती है? ये डाई के बाद थोड़ी ठीक हो जाती है, इससे गफ में नहीं आता। अच्छा, इसके नीचे लाइनिंग यूज होता है। इसकी पर यार्ड क्या प्राइस है? ये शर्ट 3500 की आपको मिलेगी, वैसे हम कस्टमर हो तो 4500 का। शर्ट हाली 3500 की, और अर्ज इसका कितना है? सवा का दर्जा।
अच्छा, इनमें सबसे छोटे अर्ज वाला फैब्रिक कौन सा है जो अभी तक हमने देखे? इसमें सभी का तकरीबन एक सारी अर्ज है, छोटे अर्ज वाला हम लाते नहीं है, चलता नहीं है। टसल का अर्ज कितना होता है? टसल का भी सवा गज है। सवा गज है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये बैम्बर पे था दुपट्टा और बैम्बर की क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। आप देख सकते हैं उसकी क्वालिटी प्योर चाइना का निकल कितनी क्लोज लग रही है। ये ऊपर वाले भी जो है सेम रेट पर और सेम मटेरियल पर मौजूद हैं दुपट्टे। तो बैम्बर पे आपको बहुत कुछ इनके पास मिल जाएगा, दुपट्टे की वैरायटी हो, चाहे वो शर्ट्स के लिए फैब्रिक हो और रॉ सिल्क पे भी एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक्स इस टाइम आजकल काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। सेम कलर मतलब वाइट थ्रेड के साथ भी आ रही है एम्ब्रॉयडरी, इसके अलावा तिल्ला एम्ब्रॉयडरी भी बहुत अच्छा रही है। वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं घरारों शरारों और डिफरेंट पर्पज़ के लिए। कहने को छोटी सी शॉप है बट इतना कुछ इन्होंने रखा हुआ है, इतनी सारी वैरायटी, इतनी तरह की वेरिएशंस इनके पास मौजूद हैं। इनसे जो है मैं जो लेती हूँ वो मोस्टली जो सिल्क होती है, जब भी मैंने पठानों से कपड़ा लिया और मुझे सिल्क मैचिंग करनी होती है तो मैं यहाँ से लेती हूँ। इसके बिल्कुल अपोजिट मुबीन ज़री आती है और मुबीन ज़री या मुबीन बुटीक काफ़ी फेमस शॉप है और उसके साथ आते हैं गुल फैब्रिक्स। एक्चुअली गुल फैब्रिक्स की भरी शॉप, शायद उनका नाम गुल फैब्रिक्स ही है या कुछ और है। मैं अगली बार उनकी जब डिटेल वीडियो बनाऊंगी तो आपके साथ मेंशन करूंगी, तभी मैं शहजाद मैचिंग सेंटर भी आपको दोबारा दिखा दूंगी। तो वो शॉप से जब भी मैं कुछ परचेज़ करती हूँ तो मैं फ़ौरन अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो के सिल्क का फैब्रिक लेना है तो मैं इधर से ही ले लेती हूँ, क्योंकि जब जो पठानों के पास की शॉप होती है ना, उनके पास उनके सारे कलर आए हुए थे। जैसे गुल फैब्रिक्स की जो छोटी शॉप है उसके सामने से टाफ्टा सारे कलर्स में मिल रहा होता है, मतलब मैं जितने कलर लिए थे सारे कलर इतने इजीली मैच हो गए थे वहाँ पे स्लिप वगैरह के लिए। और टाफ्टा बेसिकली थोड़ा लो से थोड़ा सा बेटर क्वालिटी में होता है तो उसकी भी स्लिप अच्छी रहती है, पर मुझे उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। लेकिन अगर आप भाई के क्लाइंट्स हैं और आपका बजट लो है तो आप उसको डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। उसमें कलर्स बहुत खूबसूरत थे और चूंकि हमारा फैब्रिक सी थ्रू नहीं था लेकिन कलर तो ज़ाहिर है सेम लगाने होते हैं तो हमने उसको प्रेफर किया था। हमने जब ब्राइड मेड्स के ड्रेसेस बनाए थे क्योंकि हमें बजट में भी रहना था, चीज़ भी क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना था, खूबसूरती में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना था, तो शुक्र अल्लाह का कि वो बहुत अच्छा गया था। वो भी अभी तक मैंने आपको कुछ भी नहीं डिटेल में दिखाया हुआ, वो भी उसकी भी डिटेल वीडियो आने वाली है। ये सिल्क के कलर्स हैं तो अभी फिलहाल मैं वीडियो को वाइंड अप कर दूँ। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।